हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को लेकर मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट कर देता हूं। जो लोग भी वैकेंसी के इंतजार में हैं, खास करके उत्तर प्रदेश से, उन सभी अभ्यर्थियों को मेरा निर्देश रहेगा। एक्चुअली निर्देश क्या रहेगा, आपको जानकारी देनी है मुझे। अभी वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात को, नगर पालिका वाले चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में आपको जो है ये पंचायत इलेक्शन के बाद ही रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। तो थोड़ी सी पेशेंस आप बना के रखिए, जिनका आवेदन हो चुका है, काउंसलिंग डेट या फिर रिजल्ट उनका बाद में मेरिट लिस्ट जब भी बनेगा वो इलेक्शन के बाद ही बनेगा। बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे पुराने सारे वीडियोज़ पे आप लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए कि मेरिट कब बनेगी या नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पहले आपको उसके बारे में जानकारी दे दूँ। अब देखिए, कस्तूरबा गांधी से एक और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आई है, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी, और जो पढ़ाने की जो है आस में है कि कब उनका काउंसलिंग हो और वो पढ़ा सके, तो दोनों तरह के जो व्यक्ति हैं उनके लिए मेरा ये वीडियो रहने वाला है। यहाँ से कुछ फोटोज आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने इनके बिना परमिशन की फोटोज उठा ली है। इनके लिए सबसे पहले तो इन लोगों से हाथ जोड़ के माफी, अगर किसी को आपत्ति है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वीडियो में हटा दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, ये फोटो दिखाने का मकसद क्यों है बिना परमिशन का, रीजन क्या है ना कि इन महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। अगर आपने फोटो गौर से देखी होगी ना तो आपको काला बिल्ला दिख रहा होगा, इन लोगों ने काली पट्टी पहनकर स्कूल में आज पढ़ाया है, और कुछ पुरुष शिक्षक भी हैं जो कि काला बिल्ला जो है बांधकर पढ़ा रहे हैं। इसका रीजन क्या है वो अब इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या बातें हो गई कि शिक्षकों को काला पट्टी या काली पट्टी पहनकर पढ़ाने की जरूरत पड़ गई। इन सारे वजह, ये जो सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, इसकी मुख्य वजह जो है दीपक कुमार हैं। दीपक कुमार जो कि अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, यहाँ से आप महत्वपूर्ण भी देख सकते हो इसकी वजह क्या है। तो यहाँ से आप देख पाओगे, उच्चकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, वेट अ मिनट, बालिका विद्यालय में शैक्षिक और शिक्षणेत्तर कर्मी के नवी चयन, पदस्थापन और संविदा नवीकरणी के संबंध में। देखिए इन्होंने क्या कहा है, देखिए यहाँ पे सारी बातें जो है आपको समझ में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन आप पढ़ लो, केवल महिला कर्मियों की ही नियुक्ति किए जाने का निर्देश इनको दिया गया है। अब देखिए, महिलाओं को आगे बढ़ाना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं जेंडर वाइज थोड़ा सा हो रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक छात्रावास है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां रह रही है, शिक्षिकाएं पढ़ा रही है, वहां पे चौकीदार के तौर पर देखिए पुरुष शारीरिक तौर पर बलशाली होता है महिलाओं से बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, तो ऐसे में जो चौकीदार है या गार्ड भैया रहते हैं तो वहां पे अगर पुरुष रात में रहेंगे या दिन में रहेंगे तो अच्छे से जो है उनकी सुरक्षा हो पाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ पुरुष ही इसके लिए जो है कैपेबल है या महिलाएं नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को अगर आप भर रहे हो कि महिलाएं ही पढ़ाएगी तो महिलाएं सुरक्षित रहेगी, तो ये सोचना भी तो जेंडर बायस में से कहलाएगा ना कि महिलाओं को सिर्फ महिलाएं ही पढ़ाएंगे। अच्छी बात है कि महिलाओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं, महिला शिक्षकों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सिर्फ और सिर्फ महिला शिक्षक को ही यहाँ पे जो है आगे बढ़ाना, ये भी तो गलत है। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो नए, जिनका देखिए मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो लोग पहले से शिक्षिकाएं हैं वहाँ पे या शिक्षक हैं, अगले टर्म में उनको जो है सर्विस को रिन्यू कर दिया जाता है, फिर से वो एक साल तक वहाँ जॉब कर पाते हैं, ऐसे ये जो है कर्मशः चलता रहता है। लेकिन अब जो भी नई नवीनीकरण किया जाएगा ना उसमें सिर्फ महिला कर्मी को ही आगे बढ़ाया जाएगा, जो पुरुष हैं उनके जॉब को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, जॉब को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा और आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही यहाँ पे शिक्षिकाएं बन पाएंगी। नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, आप मुझसे एग्री डिसएग्री दोनों हो सकते हो, आपकी मर्जी, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको अपनी बात कहने की हक दी गई है संविधान के द्वारा। तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिएगा, ये वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों सहेलियों तक जरूर साझा करें, शेयर करें, पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर कर दें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रह जाए। धन्यवाद आप सभी का।